हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड इट्स एप्लीकेशन इन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करेंगे और उसकी एप्लीकेशन करेंगे, आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ना सबसे पहले तो अगर फंडामेंटल थ्योरम की बात करें, ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने स्टेटमेंट करनी है इसकी, तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन कैन बी रिटन यूनिकली एज ए प्राइम, और एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम्स। या तो हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम में कब कब एक्सप्रेस करेंगे, इफ इट इज इट सेल्फ ए प्राइम नंबर, और एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम्स वेयर द प्राइम फैक्टर्स आर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग साइन। तो या तो अगर तो वो प्राइम है तो वो एज इट इज प्राइम रहेगा, लेकिन अगर वो प्राइम नहीं है देन इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ द टू और मोर प्राइम नंबर्स। जैसे अगर 100 की बात करें तो 100 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 5 × 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वेयर × 5 स्क्वेयर। तो 100 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर। 2 हमारे पास क्या है, प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो ये प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में हमने लिख दिया एंड इट्स पावर्स। सिमिलरली 641 की बात करें, बिकॉज इट जो 641 है इट इज ए प्राइम नंबर, तो इसको तो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में नहीं लिख सकते, बिकॉज क्योंकि ये इटसेल्फ ए प्राइम नंबर है, तो ये एज इट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, 641। सिमिलरली 999 की बात करें तो 999 को सबसे पहले हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, अगेन 3 के साथ डिवाइड किया, नाउ अगेन 3 के साथ डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया 37। नाउ सो देयर फोर 999 इज इक्वल टू 3³ × 37। सिमिलरली 124 की अगर बात करें तो इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। नाउ मोर क्वेश्चन ऑन फंडामेंटल थ्योरम, और उससे पहले हमने एक ये डायग्राम करनी है, ट्री डायग्राम हम इसको बोल सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम इन अदर वर्ड्स, फैक्टरिंग इज ब्रेकिंग डाउन ए नंबर इन टू इट्स कंपोनेंट्स और प्राइम नंबर। तो जैसे सबसे पहले अगर 72 की बात करें तो सबसे पहले कौन सा प्राइम फैक्टर जो है वो जो 72 को डिवाइड करता है, दैट इज 2। तो प्राइम नंबर से स्टार्ट किया, सबसे छोटे प्राइम से स्टार्ट किया, उसके बाद जो हमारे पास कोशेंट आ जाएगा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 36 को फिर से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो 36 को डिवाइड करता है, दैट इज 2। तो 2 के साथ लिख के क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 18 को डिवाइड करेंगे, 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन 9 आ गया। अब अगर 9 की बात करें, नाउ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो उसको डिवाइड करता है, दैट इज 3। तो बाकी हमारे पास क्वेश्चन 3 है, अब ये तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारे पास एज इट इज आ गया। तो देयर फोर 72, तो कितने 2s हमारे पास आ गए, 2 कितने हमारे पास, 1, 2, 3, तो ये हमारे पास आ गया 2³ × 3, हमारे पास कितने हैं 2, तो दैट इज 3 स्क्वेयर। तो 72 इज इक्वल टू 2³ × 3 स्क्वेयर। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, 140, तो सबसे पहले 140 को डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो इसको डिवाइड करता है, 2। तो 2 के बाद हमारे पास क्वोशेंट आ गया 70, तो अगेन 70 को 2 से डिवाइड किया, नाउ वी विल गेट 35। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा, नाउ 7 के साथ डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो 2 × 5 × 7, तो ये हमारे पास आ गया 2² × 5 × 7। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। सिमिलरली 156 की अगर बात करें तो 156 को भी 2 के साथ डिवाइड किया, अगेन 2 के साथ डिवाइड किया, नाउ अब 3 के साथ डिवाइड किया 39 को, तो हमारे पास लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 13। तो 156 इज इक्वल टू 2² × 3 × 13।
सो तो देयर फॉर 156 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3825। तो सबसे पहले 3 के साथ डिवाइड करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 + 8 + 2 + 5, तो ये हमारे पास 11 + 2 = 13 + 5 = 18। तो अगर तो जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम जो है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, तो इट मीन ये जो नंबर होगा ये भी 3 से डिवाइड होगा। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्यों लास्ट में 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 के साथ स्टार्टिंग कर देंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे। नाउ 3 से स्टार्ट किया, अगेन आप इसको 5 से भी चेक कर सकते हो डिवाइड, लेकिन 3 के साथ करता है या नहीं करता उसके लिए इसको सम करेंगे, 1 + 2 + 7 + 5, तो 3 + 7 = 10 + 5 = 15, बिकॉज 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो 1275 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे 425, अगेन 5 से डिवाइड किया एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास आ गया 3825 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। नाउ वन मोर क्वेश्चन 5005, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली, तो ये हमारे पास आ गया 5 × 7 × 11 × 13। और सबकी पावर हमारे पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर क्या हमारे पास आ गई, 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7429, तो अगेन 17 के साथ डिवाइड किया तो 437 क्वेश्चन आ गया। अब इसको 437 को 19 के साथ डिवाइड किया तो 23 क्वेश्चन आ गया। नाउ 23, तो अब हमारे पास टोटल हमारे पास आ गया 7429 इज इक्वल टू 17 × 19 × 23। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन, तो 1000 को डिवाइड करेंगे अभी, तो ये हमारे पास आ गया, 2 के साथ डिवाइड करते गए तो ये हमारे पास आ गया, दैट इज 2³ × 5³। और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर कितनी है, 3। 2 की पावर हमारे पास क्या है, 3 है, और 5 की पावर कितनी है, 3। तो अगर कई बार जब एमसीक्यू की बात करते हैं तो वहां पे कई बार पूछ लेता है कि एक्सपोनेंट का सम क्या आएगा, तो एक्सपोनेंट सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये हमारे पास आ गई 2³ × 5³, और दोनों की पावर एक्सपोनेंट हमारे पास, 2 का एक्सपोनेंट भी 3 है, 5 का एक्सपोनेंट भी 3 है, और अगर एक्सपोनेंट की पावर को, एक्सपोनेंट को अगर ऐड करें तो एक्सपोनेंट का सम हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। नाउ 72, वन मोर क्वेश्चन, 72 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। और यहां पे अगर एक्सपोनेंट की बात करें तो सम ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ गया, 3 + 2 = 5। ये पावर्स का सम करना है हमने, एक्सपोनेंट मीन पावर। नाउ फंडामेंटल थ्योरम, जैसे हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विच इज यूनिक, और ये यूनिक भी होगी। नाउ अब हमने क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम की एप्लीकेशन फाइंड करनी है इन HCF एंड LCM। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह है, दैट इज HCF और LCM फाइंड करना है हमने, किसका फाइंड करना है, 180 एंड 54 का। नाउ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करेंगे, तो 180 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो ये हमारे पास आ गया 2² × 3² × 5। और नेक्स्ट 54 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये हमारे पास आ गया 2 × 3³। नाउ अब अगर 180 की बात करें, ना 180 इज इक्वल टू 2² × 3² × 5, और 54 की अगर बात करें, दैट इज 2 × 2 = 1 3³। ठीक है, और जब हमने HCF और LCM फाइंड करना है तो आप ये देखो कि हमारे पास कौन कौन से, अगर दोनों नंबर्स की बात करें, दो नंबर्स का HCF LCM करना है या 3 नंबर्स का करना है, तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स,
टू थ्री फाइव, यहाँ पे टू है थ्री है लेकिन फाइव नहीं है, तो आप एक काम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे फाइव नहीं है ना तो फाइव की पावर जीरो लिख देंगे, उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइव की पावर जीरो की अगर बात करें, किसी भी नंबर की पावर जीरो की अगर बात करें दैट इज इक्वल टू वन, तो फाइव की पावर जीरो, टू की पावर जीरो, थ्री की पावर जीरो, वी नो दैट ऑल आर इक्वल टू वन। तो यहां पे हमारे पास फाइव मिसिंग था, तो हमने क्या कर दिया, फाइव की पावर जीरो अपनी ओर से लगा ली। नाउ अब अगर एचसीएफ की बात करें, तो एचसीएफ हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स। तो जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो उनकी हमने क्या करनी है, लीस्ट पावर उठानी है। तो एच सी एफ जो हमारे पास आ गया 180 और 54 का, तो जैसे कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, टू और थ्री, तो इनकी हमने क्या करनी है, लीस्ट पावर लेनी है। टू अगर इन दोनों में टू की लीस्ट पावर की बात करें, तो टू की लीस्ट पावर हमारे पास क्या आ रही है, वन। तो यहां पे हमने क्या करना है, एच सी एफ में यहां पे टू की पावर कितनी कर लेनी है, वन। और दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास थ्री है, और इन दोनों में अगर बात करें तो थ्री की लीस्ट पावर कितनी है, टू है, तो यहां पे हम टू लिख लेंगे। ओके, तो हमने क्या करना है, मैं आई एम रिपीटिंग, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स की हमने क्या करनी है, लीस्ट पावर लेनी है। तो टू की मिनिमम पावर दोनों में क्या है, वन, थ्री की मिनिमम पावर क्या है, टू। तो हमारे पास जो एच सी एफ आ गया, टू इंटू थ्री स्क्वायर हमारे पास नाइन, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, 18। सो एच सी एफ इज 18। नाउ एलसीएम की अगर बात करें, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, हाईएस्ट पावर, एच सी एफ में हमारे पास था लीस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, पावर ऑफ ऑल, यहाँ पे हमारे पास जब एच सी एफ की बात करें, सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स की हमने लीस्ट पावर लेनी थी, लेकिन हमारे पास एलसीएम में हमने क्या करना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, उनकी क्या करनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो जैसे टू की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, टू, थ्री की हाईएस्ट पावर दोनों में कितनी बनती है, थ्री बनती है, और फाइव की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, वन। तो जब एलसीएम की बात करें, टू की पावर टू आ गई हाईएस्ट, थ्री की पावर थ्री, और फाइव की पावर क्या आ गई, वन। तो ऐसे में हमारे पास इन दो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 540। ओके, तो ये तो हमने फाइंड किया 180 और 54 का एलसीएम एंड एचसीएफ। नाउ अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, एचसीएफ हमारे पास 18 था, एलसीएम हमारे पास 540 है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट, तो ये हमारे पास आ गया 972। और जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, तो यहाँ पे हम एच सी एफ और एलसीएम तो हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे हम एक और रिजल्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैं बताता हूं कौन सा रिजल्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एच सी एफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारे पास 9720 आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, कौन से दो नंबर जिनका हमने एच सी एफ और एलसीएम फाइंड किया, कौन कौन से दो नंबर हैं, एक तो 180 है और दूसरा हमारे पास क्या है, 54। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो वो भी हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। यहाँ पे एच सी एफ और एलसीएम दोनों नंबर के एच सी एफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, वो भी हमारे पास 9720 है। अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या है, 9720। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, मीन दो नंबर का एच सी एफ और एलसीएम को अगर मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स के एच सी एफ और एलसीएम को अगर मल्टीप्लाई करें, तो वो दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनका हमने एच सी एफ और एलसीएम किया है। ओके, सो एलसीएम इंटू एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। और ये आप बात याद रखना कि ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास, ये सिर्फ अगर दो नंबर का एच सी एफ और एलसीएम कर रहे हैं तभी होल्ड करेगा। अगर हम थ्री नंबर का एच सी एफ और एलसीएम लेके
प्रोडक्ट करे और तीनों नंबर्स को प्रोडक्ट करे तो वो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। मीन्स एच सी एफ ऑफ ए बी सी, अगर हमारे पास तीन नंबर हैं और उसको अगर मल्टीप्लाई करें उनके एलसीएम के साथ, दैट विल बी दैट इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, तो वो ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल नहीं होगा। ये रिजल्ट कब होल्ड करेगा? जब सिर्फ हमारे पास क्या है, दो नंबर्स। नाउ वन मोर क्वेश्चन, नाउ फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इन पेयर्स के हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं, और ये वाला रिजल्ट जो हमने प्रीवियस अभी किया कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, तो ये वाला रिजल्ट वेरीफाई भी करना है। सबसे पहले हम 510 और 12 का क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या की, प्राइम फैक्टराइजेशन की, 510 की, तो वो हमारे पास आ गया 2 × 3 × 5 × 17, और 12 की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ गया 2² 3। अब 5 यहाँ पे मिस है तो आप 5 की पावर 0 लिख दो, क्योंकि 5 की पावर 0 1 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे 17 है लेकिन यहाँ पे 17 नहीं है, तो 17 की पावर 0 कर दो। नाउ अब अगर एच सी एफ की बात करें तो दोनों की मिनिमम पावर लेनी है, मिनिमम पावर हमारे पास क्या आ गई, 1, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 1 लेंगे, और इन दोनों की मिनिमम पावर, कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर लेनी है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 और 3 थे, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की मिनिमम पावर 1 1 आ गई। अगर आप इसको भी कंसिडर कर लो तो ये 5 की पावर 0 1 ही आएगा, 17 की पावर 0 1। मीन्स चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 0 17 की पावर 0, तो अगेन वो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो एच सी एफ दो नंबर्स का हमारे पास क्या आ गया, 6। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो अब हमने क्या करनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और 17 की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, 1। तो एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 1020। तो वेरिफिकेशन, क्योंकि अब दो नंबर्स क्या एचसीएफ और एलसीएम है, तो ये रिजल्ट भी होल्ड करेगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 6 × 1020, वो हमारे पास आ गया 6120, और दो नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ गया, 6120। तो बोथ आर सेम, देयरफॉर हेंस वेरीफाई। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 336 54। तो अगेन सेम प्रोसीजर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली हमने, तो यहाँ पे 7 की पावर 0 लिख लो, एच सी एफ में लोएस्ट पावर स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, और एलसीएम में हम क्या करेंगे, इनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो एलसीएम इंटू एच सी एफ, तो अगेन रिजल्ट हमारे पास सेम आ गया, तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयर फॉर एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाउ अब यहां पे अगर हम 3 नंबर्स की बात करें, नाउ बिकॉज ऑल 3 नंबर्स आर प्राइम, तो ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। नाउ एच सी एफ की अगर बात करें तो एच सी एफ हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, सिर्फ 1 है, तो ये हमारे पास आ गया 1 की पावर 1। और एलसीएम में अगर बात करें, एलसीएम में हमने सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, और उनकी क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम की अगर बात करें तो वो हमारे पास क्या आ गया, 17 की हाईएस्ट पावर 1, 23 की हाईएस्ट पावर 1, 29 की हाईएस्ट पावर 1। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 17 × 23 × 29, तो ये हमारे पास आ गया 11339। नाउ वन मोर क्वेश्चन 8 9 25। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास ओनली 1, तो एच सी एफ तो हमारे पास 1 आ जाएगा इनका। और एलसीएम की अगर बात करें तो जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हमने क्या करनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1800।
ना वन मोर क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे, फिर एचसीएफ में हम लीस्ट पावर लेंगे कॉमन फैक्टर की, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे ऑल प्राइम फैक्टर्स की। तो देयरफॉर एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारे पास 3 है और एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 420। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन। अब यहां पे हमारे पास क्या है, एचसीएफ टू नंबर्स का हमें गिवन है, टू नंबर्स भी हमारे पास गिवन है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 306, और बी की वैल्यू की अगर बात करें तो बी हमारे पास क्या है, 657। और यहां पे हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू गिवन है, तो एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का, ए और बी का कितना है हमारे पास, 9। जैसा कि हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, तो ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, एचसीएफ की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, एलसीएम। ओके नाउ नाउ एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये हमारे पास आ गया, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो बिकॉज, क्योंकि हमारे पास एचसीएफ इनटू एलसीएम दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो एच सी एफ हमें गिवन है तो यहां एच सी एफ से यहां डिवाइड कर देंगे एच सी एफ के साथ, तो ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए की वैल्यू 306, बी की वैल्यू 657, और एच सी एफ हमारे पास क्या है, 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, आ गई एल सी एम की। तो एल सी एम ऑफ 306 एंड 657 का हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 22338। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572, 699, लीविंग द रिमाइंडर 456 रिस्पेक्टिवली। हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699 एंड लीविंग दी रिमाइंडर। अगर तो हमें ये कंडीशन ना दी होती, ये रिमाइंडर वाली कंडीशन अगर ना गिवन होती हमें, तो हम क्या करते, हमने क्या करना है, हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है। अगर तो ये कंडीशन नहीं गिवन, तो हम क्या डायरेक्टली क्या कर लेते, एच सी एफ फाइंड कर लेते किसका, 445, 572 और 699 का, ठीक है। लेकिन अब यहां पे हमें कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है कि हाईएस्ट नंबर जो भी हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है, उसको अगर 445 के साथ डिवाइड करें, ठीक है, जो भी नंबर हमारे पास है हाईएस्ट नंबर जो भी है उसको अगर 445 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए, 4। सिमिलरली अगर वही हाईएस्ट नंबर को 572 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 5 आना चाहिए, और नेक्स्ट 6699 को अगर ए के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इट मीन्स अगर 445 को ए के साथ डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमारे पास 4 आ रहा है, इट मीन जो ए हमारे पास है दैट इट डिवाइड किसको डिवाइड कर रहा है, 441 को। मीन अगर इसमें 4 सब्ट्रैक्ट कर दे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या आ गया, 441। इट मीन जो हमारा ए है दैट डिवाइड 441। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ए किसको डिवाइड कर रहा है, 567 को डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो ए है दैट इज डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है किसको, 693 को। ओके तो सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया, अब हमने क्या करना है, अब हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो तीनों को डिवाइड करता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इन तीनों नंबर का हम क्या करेंगे, एच सी एफ फाइंड करेंगे, 441, 567 और 693 का। तो उसके लिए प्रोसीजर वही है, सबसे पहले 441 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 561 की, 693 की। तो इस करने के बाद हमारे पास एच सी एफ जो इनका आ गया दैट इज
लीस्ट पावर ले ली है हमने, और कॉमन प्राइम फैक्टर्स की, सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स की हमने क्या करनी है, लीस्ट पावर लेनी है। तो वो हमारे पास आ गया 63। तो 63 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, हाईएस्ट नंबर है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ये जो 63 है, अगर इसको 445 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो 572 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, 699 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 6। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने क्या किया, हाईएस्ट नंबर फाइंड किया। तो जब हाईएस्ट नंबर फाइंड किया, हाईएस्ट नंबर जो इनका कॉमन फैक्टर है, मीन्स इनको डिवाइड करता है, तीनों नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड, मीन्स कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर। अब यहां पे हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, विच इज इंक्रीज बाय 17, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। स्मॉलेस्ट नंबर विच जो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इसको डिवाइड नहीं करता, हमने कॉमन फैक्टर नहीं फाइंड करना, हमने वो वाला नंबर फाइंड करना है जिनके फैक्टर ये वाले नंबर है। मीन्स हमने क्या करना है, इनका मल्टीपल फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है इनका। लेकिन यहां पे हमें एक और कंडीशन दे रखी है कि विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, जब 17 इंक्रीज कर दे तब इनके साथ डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 520 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास ये वाली आ गई, और 648 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो वो हमारे पास आ गया 2² × 3² × 13। नाउ अब एलसीएम की बात करें तो क्या करेंगे, एलसीएम में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे, 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, 5 की पावर, यहाँ पे तो 5 मिसिंग है, तो 5 की पावर 1 हाईएस्ट है, 13 की पावर 1 हाईएस्ट है, और 3 की पावर क्या है, 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 4680। तो लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल जो हमारे पास आ गया 4680। नाउ अब हमारे पास क्या है, लेट द नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 गिव्स द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हमने क्या करना है, अगर कहता कि लीस्ट कॉमन, अब हमारे पास अगर नंबर हमारे पास एक्स है, उसमें अगर 17 डिवाइड करें तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल के इक्वल है। मीन्स अगर किसी नंबर में 17 ऐड कर दे तो जो हमारे पास एक्स प्लस 17 होगा वो इन दोनों नंबर्स का हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम। ठीक है, अब एक्स प्लस 17 किसके इक्वल है, 4680 के, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4680 माइनस 17, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4663, दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर। नाउ वन मोर क्वेश्चन, वन मोर एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। नाउ देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स द सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ ए फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मीन्स हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, तो ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। सपोज एक ही जगह से दोनों स्टार्ट करते हैं, और सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड कवर क्लियर करने को, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए सोनिया 18 मिनट लेती है, और रवि क्या करता है, वो सिर्फ 12 मिनट लेता है। अब क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, दोनों दोनों ने सेम पॉइंट से सेम टाइम से स्टार्ट किया, एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया और एक ही टाइम पे स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद दोनों अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे,
ऑब्वियसली अब यहाँ पे सोनिया ज्यादा टाइम ले रही है तो रवि तो जल्दी राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो जब तक सोनिया ने एक राउंड कंप्लीट करना है तो रवि ने तो सेकंड राउंड स्टार्ट कर लेगा। तो ऐसे करके हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि दोनों लास्ट सेम पॉइंट जहां से दोनों ने रेस स्टार्ट की थी तो कब वो दोनों क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे सेम टाइम पे, सेम टाइम पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे दोनों नंबर्स का क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। मीन यहाँ पे कॉमन पॉइंट है जहां से दोनों ने क्या की, रेस स्टार्ट करी। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। तो टाइम टेकन टू ड्राइव वन राउंड, सोनिया की अगर बात करें वो 18 मिनट ले रही है, और दूसरा उसके बाद अगर सेकेंड राउंड, दो राउंड कंप्लीट करने में वो 36 मिनट ले रही है, थ्री राउंड कंप्लीट करने में 54 मिनट ले रही है। सिमिलरली अगर रवि की बात करें तो उसमें 12 12 ऐड करते जाएंगे, उसने फर्स्ट राउंड 12 मिनट में कंप्लीट किया, सेकेंड राउंड 24 मिनट में दो राउंड कंप्लीट कर लिए, 36 में उसने तीन राउंड कंप्लीट कर लिए, एंड सो ऑन दाओ। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना है कि कब दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे फिर से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या कर लेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 18 और जब 12 का एलसीएम फाइंड किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, मेथड वही है एलसीएम का, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 36, 36, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 36 कॉमन है ना, इट मीन्स 36 मिनट के बाद जब सोनिया दो राउंड कंप्लीट कर लेगी और रवि तीन राउंड कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद दोनों क्या करेंगे, सेम पॉइंट यहाँ, ये जो सेम पॉइंट है यहीं पे वापस इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, तो 36 मिनट बाद जब रवि तीन राउंड कंप्लीट कर लेगा और सोनिया दो राउंड कंप्लीट कर लेगी तब वो दोनों सेम पॉइंट पे इकट्ठा होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट इज एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है और 616 मेंबर्स का एक आर्मी कॉन्टिजेंट है। तो ये जो 616 पर्सन हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने मार्च करनी है इन बैंड के पीछे रह के। सो द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा इन विच दे मार्च। Now, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा ही हमने डिवाइड करना है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे डिवाइड करेंगे। नाउ 32 हमारे पास बैंड, 32 बैंड मेंबर्स हैं और हमारे पास 616 क्या है, कॉन्टिजेंट मेंबर्स। नाउ अगर तो हम इन दोनों को दो कॉलम में डिवाइड करें, दो कॉलम में डिवाइड करें, तो हमारे पास दो कॉलम में अगर डिवाइड करें तो हमारे पास, क्योंकि 32 अगर आर्मी बैंड की बात करें तो इनके 16 16 मेंबर आ जाएंगे, यहाँ पे 16 आ जाएंगे, 16 इनके आगे, 16 यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाले आगे, उसके बाद इसके पीछे, अब क्योंकि इसके पीछे हमारे पास क्या आगे, 308, क्योंकि दो ही कॉलम है, इसको भी दो के साथ डिवाइड कर लो, इसको भी दो के साथ डिवाइड कर लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम दो कॉलम में डिवाइड करें, ठीक है, तो पहले 16 16 मेंबर आर्मी बैंड के खड़ेंगे, उसके पीछे 308 308 मेंबर्स किसके होंगे, आर्मी कॉन्टिजेंट के, ठीक है। तो अगर तो हम दो कॉलम में डिवाइड करें तो ऐसे आएगा, अगर हम इनको फोर कॉलम में डिवाइड कर दें, ठीक है, फिर क्या होगा, तो 888, क्योंकि 32 है, 32 है, इसको फोर के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है, 88 आर्मी बैंड के मेंबर हो गए, और फिर इसको डिवाइड कर दो फोर के साथ, तो वो हमारे पास आगे 154 154 वन बीज इन पे, सबसे पहले ये वाले आर्मी बैंड के 8 मेंबर्स, उनके पीछे 154 किसके मेंबर होंगे, आर्मी कॉन्टिजेंट के। सिमिलरली सेकंड कॉलम में भी ऐसी कंडीशन होगी, थर्ड कॉलम में भी, फोर्थ कॉलम में भी।
अब ये थोड़ा कि हम बार बार पहले टू में डिवाइड करें, फिर फोर के साथ करें, फिर सिक्स के साथ ट्राई करें। हम मैथमेटिकली इसको कैसे डायरेक्टली फाइंड करेंगे, सब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 32 और 616 का क्या करेंगे, HCF, क्या करेंगे HCF, मींस हमने हाईएस्ट कितने कॉलम कर सकते हैं। तो जब 32 और 616 का हमने HCF किया तो HCF हमारे पास क्या आ गया, 8। इसका मतलब ये हो गया कि हम 8 कॉलम बनाएंगे, 8 कॉलम, 8 कॉलम किसके, इनके 8 कॉलम में डिवाइड करेंगे और 8 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ। इसका मतलब 4 मेंबर सबसे पहले हम आर्मी बैंड के खड़े होंगे हर कॉलम में, और उसके पीछे अब इसको 4 के साथ डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 154, सॉरी 8 के साथ डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, 8 के साथ। तो 618 को जब 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 77, क्या आ गया, 77। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार चार मेंबर क्या करेंगे आर्मी बैंड के खड़े होंगे, और उसके पीछे 77 मेंबर किसके होंगे, आर्मी कॉन्टिजेंट के। ओके, तो इसका मतलब हम 8 कॉलम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, नाउ ए मेसॉन हैज टू फिट ए बाथरूम विद स्क्वेयर मार्बल्स टाइल्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, द साइज ऑफ द बाथरूम, बाथरूम का जो साइज है किसी भी रूम का, इसको आप एप्लीकेशन में कर सकते हो, किसी रूम का साइज है, किसी भी जगह का साइज है, वो 10 फीट इंटू 8 फीट का साइज है। फॉर एग्जाम्पल 10 फीट इसकी विड्थ है और लेंथ है, और 8 फीट इसकी क्या है, ब्रेथ है। व्हाट शुड बी दी साइज इन इंचिज, तो यहां पे आपने देखना है कि ये जो साइज है, ये जो बाथरूम का साइज है हमें फीट में गिवन है, और जो हमारे पास टाइल का साइज उसने पूछा है किसमें पूछा है, इंचिज में। तो हम क्या करेंगे, ये फीट को डिवाइड कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इंचिज में। इसको सबसे पहले 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 120 इंचिज आ गए। सिमिलरली इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 इंचिज आ जाएंगे। तो हमने अब इस क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले, तो सो व्हाट वुड बी दी साइज इन इंचेस ऑफ दी टाइल रिक्वायर्ड दैट हैज टू कट एंड हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि टाइल का क्या साइज कट करे कि पूरा का पूरा ये जो इसको कवर कर ले। ये नहीं है कि हम बीच में से कोई टाइल तोड़ेंगे, ठीक है, हमने पूरा का पूरा डिवाइड करना है। तो ऐसा साइज कट करना है जो सारे के सारे बाथरूम को क्या कर ले, कवर कर ले। और नंबर ऑफ टाइल भी फाइंड करेंगे, दो क्वेश्चन है, एक तो हमने टाइल का साइज सेलेक्ट करना है और कितनी ऐसी टाइल लगेंगी वो नंबर हमने देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि टाइल का साइज क्या होना चाहिए, उसके लिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, ठीक है, 120 और 96 का क्या करेंगे, क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। ओके, इज इट क्लियर। नाउ अब देखिए, लेंथ हमें गिवन है तो लेंथ को हमने 10 फीट थी तो हमने उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करके 120 इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। ब्रेथ को भी हमने इंचेस में कन्वर्ट कर लिया तो वो हमारे पास 96 आ गया। तो एरिया ऑफ द बाथरूम की अगर बात करें तो 120 इंटू 96, ठीक है, दैट इज द एरिया ऑफ द बाथरूम। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब एरिया ऑफ बाथरूम हमारे पास आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इनका HCF फाइंड करेंगे। HCF क्यों किया, HCF हमने इसलिए किया कि टाइल का साइज क्या कट करे जो सारे के सारे बाथरूम में सारे के सारे बाथरूम को क्या कर ले, कवर कर ले। ऐसा हमने साइज सिलेक्ट करना है जिससे सारे के सारे बाथरूम को क्या कर ले, वो कवर कर ले। तो 24 इंचेस क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए किसका, टाइल का। नो, बाथरूम का एरिया हमारे पास 120 इंटू 96 है और HCF हमारे पास क्या आ गया, 24। तो साइड ऑफ टाइल हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 24 इंचेस। तो एरिया ऑफ टाइल स्क्वेयर साइड टाइल है, स्क्वेयर टाइल हमने सिलेक्ट करनी है,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड हमारे पास साइड का होल स्क्वायर दैट इज 24 × 24। नाउ अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन की अगर बात करें कितनी टाइल्स लगेंगी, सो नंबर ऑफ टाइल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एरिया ऑफ बाथरूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। तो एरिया ऑफ को बाथरूम को अगर एरिया ऑफ टाइल के साथ डिवाइड कर दे, 120 × 96 को अगर 24 × 24 के साथ डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। तो बाथरूम में हमारे पास कितनी टाइल्स लगेंगी ऐसी, 12 24 इंच साइड की कितनी टाइल्स लगेंगी, 20। तो आज हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उसकी एप्लीकेशंस की इन HCF एंड LCF। थैंक यू।